कंप्लीट सर्कल के सीआईओ गुरमीत चड्डा जुड़े हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। आज मिड कैप में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है और स्मॉल कैप में तो उससे भी ज़्यादा। एडवांस डिक्लाइन 1:7 का, ये क्या फाइनली ये जो आरबीआई के एक्शन हो रहे हैं इसको लेकर मार्केट थोड़ा नर्वस हो रहा है, या वैसे ही आपको लग रहा है कि स्मॉल कैप ड्यू थे करेक्शन के लिए? अनुज, गुड मॉर्निंग दोनों। अनुज, आई थिंक सेबी ने कंसर्न दिखाया था पीछे स्मॉल और मिड कैप पे फ्रॉड पे, फंड हाउसेस को भी बोला है कि स्ट्रेस टेस्ट करने को। उससे लॉजिकली क्या होता है, फिर आप पोर्टफोलियो रोटेट करते हैं। अब अपनी टेल को जहाँ पे लिक्विडिटी कम है एज अ फंड मैनेजर, आप उसको रैशनलाइज करेंगे, थोड़ा सा कैश लेवल भी रेज करेंगे आप, क्योंकि स्ट्रेस टेस्ट का वो एक पार्ट होगा। दूसरा, आरबीआई ने जो अभी एक्शन लिया और आईपीओ फाइनेंसिंग को लेकर थोड़ा कंसर्न दिखाया है, क्योंकि कुछ जगह उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि प्राइस डिस्कवरी फेयर नहीं हो रही है, क्योंकि लेवरेज इतना हो रहा है और वो मनी रोटेट हो रहा है फ्रॉम वन आईपीओ टू अनदर। तो आई थिंक इसका दोनों का कॉम्बिनेशन है। और तीसरा, वैल्यूएशन जो हमने चर्चा करी है कुछ समय से, कि जब भी हमने किसी साल स्मॉल कैप इंडेक्स को 60-70% ऊपर जाते देखा है, थोड़ा रैशनलाइजेशन आया है। 2017 के बाद 2018 में भी आया था। ट्रिगर मल्टीपल्स होते हैं, उस टाइम पे ट्रिगर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप रिकैटेगराइजेशन था सभी का। इस बार शायद ट्रिगर आरबीआई और सभी का कंसर्न है, तो मुझे लगता है थोड़ा रैशनलाइजेशन होगा। बट ऐसा नहीं है कि सारा स्टॉक्स खराब है, फ्रॉड इतना ज्यादा है कि 20-25% करेक्शन आ सकता है। थोड़ा रैशनलाइजेशन हेल्दी भी है मार्केट के लिए। अच्छा, जो पर्टिकुलर NBFCs के ऊपर मूव्स आए हैं जैसे IIFL या JM, क्योंकि ये भी मार्केट के डार्लिंग्स रहे हैं गुरमीत, इनमें कोई बॉटम फिशिंग करनी है या फिर नहीं, कंप्लीट अवॉइड? अनुज, मुझे लगता है जब भी रेगुलेटरी एक्शन होता है, ये जो एम्बार्गोज लगते हैं इसमें समय लगता है। आपको याद होगा HDFC बैंक में क्रेडिट कार्ड, न्यू क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स के ऊपर एम्बार्गो लगा था और उसको करीबन 8-9 महीने लगे थे, और इनफैक्ट डिजिटल ऑफरिंग्स को तो 1 साल से ज़्यादा लग गया था। फिर उसके बाद हमने देखा है कि कुछ RBI ने कंसर्न दिखाया शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन्स पे, पेटीएम के एक्शन के पहले, फिर पेटीएम पे एक्शन आया है, फिर उसके बाद गोल्ड फाइनेंसिंग पे आया है, अभी अब IPO फाइनेंसिंग पे आया है। तो रेगुलेटर जहां भी उसको लगता है कि कोई सिस्टम वाइड रिस्क क्रिएट हो सकता है, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस एक हमारा है बैंकिंग सेक्टर का सिस्टमिक रिस्क का, वो हमने DHFL और IL/FS में देखा हुआ है, तो आई थिंक वहां पे रेगुलेटर प्रोएक्टिव हो रहा है। और शुरू में थोड़ा हार्श लगता है, और अनुज मैं भी बैंकर रहा हूँ, पहले काफ़ी सारे इंटरनल कॉन्वर्सेशंस होते हैं, जो ऑडिट्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं, RBI अपने ऑब्जर्वेशन देता है, तो ये सडनली नहीं होता है, ये कॉन्वर्सेशंस रेगुलरली होते हैं। हमें लगता है सडनली, क्योंकि सीधा स्टॉक प्राइस इंपैक्ट होता है तो थोड़ा सा इमोशनल रिएक्शन आता है, बट लॉन्ग रन में सिस्टम के लिए हेल्दी। और थोड़ा सा मुझे लगता है बैंक्स को फेवर करेगा मार्केट, क्योंकि बैंक्स में एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट है, बहुत सारे बैंक्स लगभग प्राइवेट बैंक्स आपको 2-2.25 के बुक वैल्यू पे हैं, PSU बैंक्स अभी भी 1 के बुक, और हमने देखा आज बैंक निफ्टी काफी ऊपर है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में मे बी इट कुड बी बैंक्स वर्सेज NBFC। दूसरा, एक थीसिस थी कि जो एक रेगुलेटरी आर्बिट्राज होता है इसलिए NBFC ज्यादा अच्छा करेंगी, वो थीसिस भी अब चैलेंज हो रही है। RBI काफी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है लेंडिंग और KYC नॉर्म्स को लेके, तो शॉर्ट रन में कुछ बार्गेन्स आ सकते हैं, जैसे अच्छी रन NBFCs हैं, बजाज। अब देखिए, बजाज को इस डर से कि IPO फाइनेंसिंग की बुक बढ़िया है वो गिर गया है, और आप देखिए पिछले 2 साल में 25% से ऊपर EPS ग्रोथ है और स्टॉक प्राइस 25% डाउन है। तो आप अगर टेक्निकली देखेंगे तो 50-60% का करेक्शन है। और चोला है, कुछ अच्छी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो शायद थोड़ा सा कोलैटरल लीवरेज में अभी नीचे जा रही हूँ, तो थोड़ा सा वैल्यू हंटिंग आप कर सकते हैं, बट शॉर्ट रन में आई थिंक बैंक्स को थोड़ा सा मार्केट फेवर करेगा। जी, आपकी बात बखूबी सुन रहा है बाजार आज शॉर्ट टर्म में, और इनफैक्ट आज पूरा दिन बाजार बैंक्स को फेवर करता हुआ। गुरमीत, एक दो पॉकेट्स और जहाँ पे हमें पैसा खूब मिला, गजब मिला, लार्ज कैप में फ्रंटलाइन स्पेस में टाटा मोटर्स। अब इन्होंने दो कारोबार को अलग करने का खराब देखे रोड मैप रख ही दिया है। आप टाटा मोटर्स में अगर पैसा बना के बैठे हैं तो आपका क्या व्यू है यहाँ पर? बहुत सारे स्टॉक्स इन्होंने बहुत अच्छा मूव दिया, थोड़ा प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट करना चाहिए क्या स्टॉक्स लाइक M&M, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो? हालांकि बजाज ऑटो की मैनेजमेंट की टिप्पणी उनके फेयर प्राइस को लेकर बहुत ऊंची है इस वक्त अभी, आपका व्यू क्या बन रहा है गुरमीत यहाँ पर? देखिए, मैं इंक्रीमेंटल एडिशन शेयर ना करूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा रनअप मिला है दोनों में, हमारे पास दोनों स्टॉक्स हैं, टाटा मोटर्स और M&M, कई बार चर्चा भी करी है। और मुझे लगता है अभी टाटा मोटर्स में इन पर्टिकुलर क्या है कि मैनेजमेंट का एक कॉन्फिडेंस है कि PV बिजनेस अब सेल्फ सस्टेन कर सकता है। आई थिंक ये एक बड़ा मैसेज है। और जब भी टाटा ग्रुप ने कुछ भी कॉर्पोरेट एक्शन लिए हैं, डीमर्जर किया है, पीछे टाटा टेक का IPO किया था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और फेयर वैल्यूएशंस का काफ़ी ध्यान रखते हैं। टाटा टेक IPO को काफ़ी अच्छा प्राइस कर सकते थे जो कि मार्केट में प्रीमियम था, बट उन्होंने 550-600 का बैंड चूज़ किया।
तो मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं, कमर्शियल व्हीकल मुझे लगता है इंडिया एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साइकिल में है और टाटा का 40% मार्केट शेयर है, तो मेरे हिसाब से 1/3 वैल्यूएशन के आसपास पे उसका बनता है मोटा मोटा, अलग अलग ब्रोकरेज अलग अलग वैल्यूएशन दे रहे हैं। पीवी भी मुझे लगता है ये एक प्रीकर्सर है इलेक्ट्रिक बिजनेस को पीपी सेपरेट लिस्ट करने का, क्योंकि बहुत सारा पी इन्वेस्टमेंट्स भी है और उनका उनका टाइम बाउंड एग्जिट होगा डिपेंडिंग अपॉन वो किस फ्रेम से आए। और टाटा मोटर्स के पीवी बिजनेस में भी 14% उनका मार्केट शेयर हो गया, ये 4-5% रह गया था जब मैनो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, तो एसयूवीज में भी अच्छा कर रहे हैं और ईवी में क्लियरली मार्केट लीडर है, ऑलमोस्ट 80% मार्केट शेयर है और ईवी अडॉप्शन पिकअप करेगा। तो मुझे लगता है पीवी बिजनेस जिसमें जेएलआर है, जेएलआर के आप देखिए मार्जिन 14-15% के आसपास आ गए हैं, 1 लाख यूनिट्स का होलसेल है और पहली बार 5,000 करोड़ के आसपास का फ्री कैश फ्लो जनरेशन हुआ है पिछले क्वार्टर, तो डेट रिडक्शन भी काफी होगा FY25 उन्होंने बोला है नेट डेट फ्री, तो मुझे लगता है थोड़ा फाइनेंशियल लेवरेज भी मिलेगा, तो मैं अभी भी कंस्ट्रक्टिव हूँ उस स्पेस को लेके। हम थोड़ा सा टू व्हीलर में मुझे लगता है रनअप ज्यादा हो गया है, वहाँ हम थोड़ा सा एंसिलरीज में फोकस कर रहे हैं और अभी जो थोड़ा बहुत करेक्शन मिल रहा है चाहे वो संधार में मिला हो, उनो मिंडा में मिला हो और काफी सारी एंसिलरीज मिला हो, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसको ऐड करने की। ऑलराइट गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस